सात वर्षों के पश्चात ये पाया तुमने, हाँ? ये भिक्षा का झोला, खुरदरा वस्त्र, नग्न पांव और अपने जैसे भगोड़ों का साथ, वो का है शाम देही। देवदत्त, विवेक से बात करो। ये अब सिद्धार्थ नहीं रहे, ये बुद्ध है। इनके कोटि कोटि अनुयायी है जो इनकी वाणी को दसों दिशाओं में फैला रहे हैं। अच्छा, तो बुद्ध जी अपनी ज्येष्ठ के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सात वर्षों तक आपने पाया क्या? शांति। शांति? शांति की बात तो वो करते हैं जो तलवार की धार से इसे जीत नहीं सकते। तलवार से सारा जग जीत लिया पर अपना मन नहीं जीत पाए तो क्या जीता? तो तुमने क्या जीता? मैं जीतने नहीं, मैं तो हारने गया था। हारने? क्रोध हारा, लोभ हारा, ईर्ष्या हारी, वैमनस्य हारा। अब हारने को शेष बचा ही क्या था तो परम शांति को उपलब्ध हुआ। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने शांति को पा लिया और मैं क्रोध को पाल रहा हूं? हाँ? ये तुम कह रहे हो, तुम्हारा अपना क्रोध ही तुम्हें पीड़ा देगा। मैं केवल विवाद कर रहा हूं। विवाद से ही हम क्रोधित होते हैं, परम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपनी आत्म सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। मैं क्रोध नहीं कर रहा। ये तो अत्यंत शुभ बात है। क्रोध करना अपनी हथेली पर गर्म कोयले को रखने के समान है जो हम किसी दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, पर इस क्रिया में हम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं।